और रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के एसडीएम तहसीलदार के लापता होने की सूचना दी है और सूचना देने वाले को 1100 रुपए नकद इनाम की घोषणा भी की है। रामानुगंज से कांग्रेस विधायक हैं बृहस्पत सिंह, तो रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए तो रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और विधायक ने जो सूचना पत्र जारी किया है उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी सूचना देगा उसे 1100 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। तो कांग्रेस विधायक ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एसडीएम तहसीलदार के लापता होने की सूचना दी है और कहा है कि अगर सूचना देने वाला जो भी सूचना देता है उसको 1100 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस के विधायक बृहस्पत सिंह मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। बृहस्पत जी, क्या आपने जिस तरह से कांग्रेस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिस तरह से आपने पूरे ही प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं? पूरे प्रशासन पे हमने खड़ा नहीं किया है, ये हमारे हमारा सरहदी क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक तरफ झारखंड का सीमा लगता है, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश का लगता है, तीसरे तरफ मध्य प्रदेश का लगता है और लगातार पहले भी घटनाएं होता रहा है। इस बात से हम लोग सचेत रहते हैं कि कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता हो, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, अगर कहीं अचानक लापता हो जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं। इस लगातार वहां के जिले के कलेक्टर ने हमें 3 बार फोन करके बताया, 3 बार मेरी बातें हुई। उन्होंने कहा साहब 9 बजे के बाद इनकी पता नहीं चल रहा है, स्विच ऑफ बता रहे हैं और दोनों अधिकारियों से कांटेक्ट नहीं हो रहा है हमारे स्टोन, और हम सारे लोग पता करें लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। तब हमने अब तत्काल कहा कि एक और रास्ता अच्छा सा आसान तरीका हो सकता है। हमने ये सूचना जिस तरह से आपको भेजा है, पहले एसपी को, कलेक्टर को और सारे प्रशासन को भेजा और अपने छात्र में सभी को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के आप सबके माध्यम से भेजा है कि किसी भी व्यक्ति को जहां सूचना मिले कि वो आदमी सुरक्षित है, जीवित है और अच्छा है, जहां भी मिलता है तो तत्काल हमारे रामानुजगंज थाने को सूचना दे। जो प्रथम सूचना देगा उसको 1100 रुपए का हम इनाम देंगे। हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जवाबदारी बनता है, चाहे दूर दूर से बाहर से नौकरी करने के लिए जाते हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी हम सब की बनता है और इसलिए हम चाहते हैं कि कभी पहले जो लगातार घटनाएं पहले होता था वैसा कहीं कोई वारदात न हो। हम सचेत रहना चाहते हैं, हम सबको सजग रखना चाहते हैं और सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आप सबके माध्यम सूचना दिया और अभी तक जब अभी बात हो रही है आपसे, अभी तक कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुआ है, न प्रशासन को मालूम हो पाया न हम लोग को मालूम हुआ है। लगातार हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, जो मिलेगा हम आप सबको बिल्कुल इसकी खुलासा भी करेंगे। विधायक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने सवाल तो खड़ा किया है लेकिन आपने जो सूचना के जो है वो पत्र भी बांटे हैं और आपने 1100 रुपए नकद इनाम की घोषणा की है, तो क्या मतलब इस तरह से क्या और कोई रास्ता नहीं था जो इस तरह से आपने ये कदम उठाया है? देखिए, अगर हम थाने में सूचना देंगे, किसी को जिले का कलेक्टर अगर इस बात का बोलता है कि लगातार खोजवा रहे हैं, पता कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई सूचना नहीं मिल पा रहा है, तो आज प्रेस के और सोशल मीडिया से ज्यादा बेहतर और सुविधा नहीं हो सकता है। जो इसको हर व्यक्ति को, हर गांव से लेकर बकरी चराने वाला से लेकर, भैंस चराने वाला से लेकर, नागर चलाने वाला लेकर, मजदूर से लेकर, किसान से लेकर आम जनता तक सभी पास आज सोशल मीडिया के माध्यम जानकारी पहुंचता है और ये सबसे बेहतर तरीका है तत्काल लोगों को ढूंढने का, खोजने का, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा अधिकार सुरक्षित आ जाए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और हमको तत्काल सूचना, हमने थाने को इसलिए नंबर भेजा है कि तत्काल थाने को सूचना दे दे ताकि हम सबको अवगत हो जाए कि हमारा अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं।
लेकिन विधायक जी क्या लगता है, जिस तरह से आपने सूचना तो दे दी है लेकिन एसडीएम और तहसीलदार की एक छवि भी है, तो क्या आपको नहीं लगता इससे वो भी खराब होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये सब चीजें वायरल होती हैं? देखिए, वायरल होने से हम नहीं डरते, हम उसकी जान की सुरक्षा रखना महत्वपूर्ण समझते हैं। और उसके ना तो ऑफिस वाले को इसकी जानकारी दे पा रहे हैं, ना उनके घर वाले जानकारी दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हमको सुरक्षित उन अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टि से हमने किया है, ताकि हमारे साथ समान सुरक्षित तो हमारे अधिकारी वापस आ जाए। बृहस्पत जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड आर के गांधी जी भी जुड़ गए हैं। गांधी जी, वो जो अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, गांधी जी आप सवाल कर सकते हैं। बृहस्पति सिंह जी, क्योंकि देखिए आपकी सत्ता है, आप सत्ता में यहाँ पे हैं, क्या अधिकारी आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं क्या, जो इस तरह से आप सूचना जनित में सूचना जारी कर रहे हैं? सवाल ही नहीं होता। सभी अधिकारी बहुत ईमानदार और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जवाबदारी, कहीं उसके देख रेख की जवाबदारी, अच्छे ढंग से वो काम कर सके, इसकी जवाबदारी हम सबकी बनता है। और क्षेत्र के विधायक होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हमारे सुरक्षित अधिकारी हैं कि नहीं है, ठीक से काम कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत तो हम उसकी मदद करते रहते हैं और आप सुरक्षित हमारे अधिकारी वापस आ रहे हैं, समाज सुरक्षित हमारे अधिकारी वापस आ रहे हैं। कि क्या आपने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी, या जो अहम जो कैबिनेट मंत्री स्तर के जो मंत्री है, क्या इसकी जानकारी आपने दी क्या? सबसे पहले हमने उसकी सूचना भेजा है, एसपी को भेजा है, उनके लोक अधिकारी को भेजा गया है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग में थे, उनके लोगों को भी हमने सूचना भेज दिया और मीटिंग से फुर्सत होते के साथ उनसे चर्चा भी हम करेंगे। जब दोनों का बहुत अच्छा सामंजस्य होता है तभी विकास हो पाता है, तो ये जो स्थिति है कब से बनी हुई है आपके तहसीलदार और एसडीएम के बीच में? मेरे बहुत मधुर संबंध है, हमारे जिले के सारे अधिकारी बहुत ईमानदारी से अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं से कोई गिला शिकवा की बात नहीं है। अचानक 9 बजे से लापता हो जाना, कोई सूचना नहीं मिलना, न ऑफिस में होना, न घर न होना, न कहीं नहीं होना, किसी की कोई जानकारी नहीं मिलना, और कलेक्टर जब जिले का ये इस बात का फोन पे बताए कि दो दो तीन तीन बार की अभी तक उन्हें पता नहीं चल पा रहा, ना ही मोबाइल पता चल रहा है, तो निश्चित ही चिंता का विषय बना। इसलिए हम लोगों ने कहा कि कलेक्टर साहब चिंता मत करो, हमारे हर गांव में लोग हैं, हर क्षेत्र में हैं, और हम इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि सब तुरंत खबर आ जाएगी कि वो कहाँ है क्या है, लेकिन अभी तक खबर नहीं आ पाए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी खबर आ जाए। तो अभी 24 घंटा हुआ भी नहीं है, सुबह 9 बजे की बात आप ही कर रहे हैं और इनाम की भी बात आपने रखी है, तो आप सुन लीजिए साहब, गांधी साहब, 99 में मेरा अपहरण हुआ था, क्या हम सुन लीजिए, तो ये 24 घंटा क्या हम छोड़ दे भगवान भरोसे उन अधिकारियों को? इसलिए हमारा धर्म बनता है कि जितना जल्दी हम रिकवर कर सके, जितना जल्दी हम उसको खोज के ढूंढ के ला सके। पीछे क्या गतिविधि हो सकता है पहले हम अपने लोगों को रिकवर कर ले, पहले हमारे अधिकारी वापस आ गए, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले हमने सब जगह सूचना भेजा है, वो हमारे सही सलामत हमारे अधिकारी आ गए। को लेकर दी है इतने की जो कि परिजनों से आपकी बातचीत हुई होगी, परिजनों से क्या जानकारी मिल पाई है? अभी तक उनके परिजन के कोई बात नहीं बता पा रहे हैं, उनके ऑफिस के स्टाफ भी नहीं बता पा रहे हैं, और मोबाइल सारे बंद है, इसलिए हमको ऐसा निर्णय लेना पड़ा, ऐसा हमें सूचना जारी करना पड़ा, क्योंकि हम सरहदी क्षेत्र से हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, किसी तरह की कोई घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, सब सलामत रहे, हम यही चाहते। अनुरोध है कि अगर वो आपकी जानकारी में कहीं उन्हें अधिकारी के बारे में जानकारी मिलता हो तो तत्काल हम थाने में सूचना दे दे और उनके परिजनों को सूचना दे दे, सही सलामत हमारे अधिकारी घर वापस आए। अरे आप ही तो जानकारी बस दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सबसे सहयोग, हम सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं कि हमारे अधिकारियों को खोज निकालने में आप मदद करेंगे। क्या बता रहे एसपी और कलेक्टर? हमारे कलेक्टर बिल्कुल हमारे कलेक्टर हमारे जिले के कलेक्टर एसपी सभी अधिकारी लगे हुए हैं, जब सूचना मिलेगा हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, उनको जल्दी खोज निकालेंगे।
जी आर के गांधी जी और कांग्रेस विधायक बृहस्पत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक जो हैं उन्होंने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि एसडीएम और तहसीलदार लापता हैं और इसके बकायदा विधायक ने सूचना भी जारी की है और सूचना के माध्यम से ये कहा है कि अगर किसी को भी उनकी सूचना मिलती है तो उनसे 1100 रुपए का जो नकद इनाम भी दिया जाएगा। तो इस पूरे ही मामले से लगता है कि जनप्रतिनिधियों में आपसी सामंजस्य नहीं है और जिस तरह से हमने देखा कि जो अधिकारी हैं वो भी अब लापता हैं जैसा कांग्रेस विधायक आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस विधायक की जो अधिकारी हैं वो नहीं मान रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, इस कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो जनता है उसका उसकी सुरक्षा किसके हाथ में रहती है, क्योंकि अधिकारियों को इस तरह से सूचना के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो तो लापता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।